एक बात ध्यान रखेंगे, शिवजी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी, ये कभी मत सोचना। बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना। चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। ये जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा, ना ना ना। शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो, मेरा महादेव तारा ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेगा। वो 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर ले, 12 ज्योतिर्लिंग।